झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने के अपने फैसले में सरकार ने थोड़ी राहत दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई को या उससे पहले उनके सिस्टम में पंजीकृत कर लिया गया है, उन गेहूं के खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इजिप्ट और जाने वाली गेहूं की खेप को भी निर्यात की अनुमति दे दी है और जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोड हो रही थी। दरअसल इजिप्ट की सरकार ने भारत सरकार से कांडला बंदरगाह पर लदान किए जा रहे गेहूं के निर्यात को अनुमति देने का अनुरोध किया था। मिश्र को गेहूं के निर्यात के लिए लगी कंपनी को 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की लोडिंग करने का परमिट मिला था, जिसमें 44,340 मीट्रिक टन गेहूं पहले से ही लोड किया जा चुका था और केवल 17,160 मीट्रिक टन लोड किया जाना बाकी था। सरकार ने 61,500 मीट्रिक टन की पूरी खेप के निर्यात की अनुमति देते हुए कांडला से इजिप्ट भेजने की इजाज़त दे दी है। दरअसल 13 मई 2022 को सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों और उत्पादन में गिरावट के बाद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले के बाद कांडला पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट पर बड़ी संख्या में निर्यात के लिए जाने वाला गेहूं अटक गया था। हजारों की संख्या में ट्रकों पर गेहूं से लदे ट्रक खड़े रहते, पर अब सरकार ने अपने फैसले में रियायत देते हुए निर्णय लिया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई को या उससे पहले उसके सिस्टम में पंजीकृत किया गया है, ऐसी खेपों को निर्यात करने के लिए दिया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने और पड़ोसी और कमज़ोर देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध कर दिया था, जो गेहूं के वैश्विक बाज़ार में अचानक बदलाव और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति ना होने से प्रभावित हुई है। ये आदेश उन मसालों में लागू नहीं होगा जहाँ निजी व्यापार द्वारा गेहूँ की सप्लाई की कमिटमेंट की जा चुकी है या फिर जिन देशों के खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन देशों के अनुरोध पर गेहूं भेजा जा रहा था। वहीं वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस आदेश के जरिए 3 मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा, जिसमें भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के अलावा उन देशों की मदद करना जो अनाज की कमी से जूझ रहे हैं या आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्व नियत बनाए रखेगा। साथ ही आदेश का उद्देश्य गेहूं की आपूर्ति के जमाखोरी को रोकने के लिए गेहूं बाजार को एक स्पष्ट दिशा प्रदान भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।